मेरा नाम नंदिनी गुप्ता है। हमने UPAPA 2022 की परीक्षा में तीसरी रैंक हासिल करी है। हम फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा फतेहपुर से ही हुई है। BSc करने के बाद हमने अपनी LLB इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के CMP डिग्री कॉलेज से पूरी करी। मेरी LLB 2021 में पूरी हुई है। LLB करने के बाद हमने परीक्षा मंथन कोचिंग की ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करी। अभी हाल ही में हमने UPPCSJ का मेंस भी लिखा है और ये मेरा पहला प्रयास था। APU की परीक्षा 3 चरणों में होती है, प्री मेंस और इंटरव्यू। सबसे पहले अगर प्री की बात करें तो 150 नंबर का MCQ बेस्ड पेपर आता है, 100 नंबर का लॉ पूछा जाता है और 50 नंबर की GS। लॉ में IPC, CRPC, एविडेंस, पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन पूछा जाता है। प्री की स्ट्रेटजी मेरी यही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बार बेयर एक्ट रिवाइज करना, कोचिंग के नोट्स रिवाइज करना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना, मॉक सॉल्व करना और आप एक कोई भी बुक जो आपको सुटेबल लगे वो आप ले सकते हैं। हमने समर्थ अग्रवाल सर की MCQ वाली बुक ली थी और उसे जितनी ज़्यादा ज़्यादा बार पॉसिबल हो पाया था उसे लगाया था। GS के लिए हमने टारगेट फॉर IQ के YouTube के वीडियोस फॉलो किए थे। लूसेंट की जो MCQ की बुक आती है वो भी सॉल्व करी थी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे थे कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और टारगेट फॉर IQ के YouTube चैनल को भी फॉलो किया था। उसमें समय समय पर जो GS से रिलेटेड वीडियोज़ आ रहे थे उससे मुझे बहुत हेल्प मिली थी। और GS में सबसे ज़्यादा रोल करंट अफेयर्स का रहता है तो उसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। डेली न्यूज़पेपर पढ़ें और कोई एक मैगजीन जो भी आपको सुटेबल लगे उसे फॉलो करें, उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं, उससे आपको लास्ट टाइम रिवीजन में बहुत मदद मिलेगी। और पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन की बात करें तो वो मैंने पूरा YouTube से ही पढ़ा था। आप बहुत सारे YouTube पे वीडियोस हैं, आपको जो भी वीडियो सुटेबल लगे उससे पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन तैयार कर सकते हैं। अगर मेंस की बात करें तो मेंस 400 नंबर का होता है। उसमें 4 पेपर होते हैं। पहला पेपर GS का होता है, दूसरा पेपर हिंदी का होता है, तीसरा पेपर IPC, CRPC, पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन का होता है, चौथा पेपर एविडेंस एक्ट का होता है। मेंस के लिए सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने चाहिए जिससे आपको आइडिया लग जाए कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और प्रॉब्लम बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर भी ध्यान देना चाहिए। और मेरी मेंस की स्ट्रेटजी यही थी कि अपने कोचिंग के नोट्स को बार बार रिवाइज करना, बेयर एक्ट रिवाइज करना, उनसे जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, शॉर्ट नोट्स बनाना ताकि लास्ट टाइम में रिवीजन में काम आ सके। और GS के लिए मैंने टारगेट फॉर IQ का GS का कोर्स ज्वाइन किया था और सत्येंद्र सर की लाइव क्लासेस भी ज्वाइन की थी जिससे काफ़ी हेल्प मिली थी। और टारगेट फॉर IQ की तरफ से मुझे सफिशियंट मैटर मिल गया था तो GS के लिए मैंने कोई और सोर्स नहीं यूज़ किया था। और मुझे टेस्ट पेपर भी मिले थे जो मैंने बार बार सॉल्व किए थे। आप भी किसी भी कोचिंग का टेस्ट पेपर लेके लिमिट अपनी टाइम लिमिट सेट कर लीजिए कि आपको 3 घंटे पूरा करना है। और हिंदी को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। हिंदी मैंने अपनी पूरी लूसेंट से ही तैयार की थी और पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन के भी शॉर्ट नोट्स बनाए थे जिससे लास्ट टाइम में रिवीजन में काफ़ी हेल्प मिली। लास्ट स्टेज की बात करें जो कि इंटरव्यू का होता है, इंटरव्यू आपका 50 मार्क्स का होता है। क्योंकि मेंस के रिजल्ट के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बहुत समय नहीं मिल पाता है इसलिए अपनी पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन स्किल पे आपको पहले से ही वर्क करना चाहिए। मेरी स्ट्रेटजी इंटरव्यू की यही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने सब्जेक्ट को रिवाइज करें और मॉक इंटरव्यू दें। परीक्षा मंथन की कोचिंग में भी मैंने अपना मॉक इंटरव्यू दिया था और टारगेट पर IQ में भी अपना मॉक इंटरव्यू दिया था। यहाँ पर सत्येंद्र सर, ममित जैन सर और भी टीचर्स ने मुझे मेरी गलतियों के बारे में बताया जिसे मैंने समय रहते सुधार किया। अगर मेरे इंटरव्यू के बारे में बात किया जाए तो मुझसे कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन पूछे गए थे, टॉट के क्वेश्चन पूछे गए थे, IPC, CRPC के क्वेश्चन पूछे गए थे और एविडेंस का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। IPC में सेक्शन 95 के बारे में पूछा गया था, कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में डिफरेंस पूछा गया था, ग्रीवियस हर्ट के ऊपर एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, CRPC में समरी ट्रायल, विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन, अल्ट्रेशन ऑफ चार्ज, इन सब टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे गए थे और कॉन्स्टिट्यूशन पे बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था और टॉट में पिजन होल थ्योरी और जॉइंट टॉट फीचर्स के बारे में पूछा गया था। इंटरव्यू के लिए मेरा सजेशन यही है कि वो केवल आपका पेशेंस चेक करते हैं, आपकी नॉलेज मेंस में चेक हो चुकी है इसलिए बिल्कुल भी परेशान ना हो, आराम से जाएं, वो आपके साथ बहुत फ्रेंडली रहेंगे। बस आपको धैर्यपूर्वक अपने क्वेश्चन का आंसर देना, जो आपको आ रहा है अच्छे से दीजिए, नहीं आ रहा है सॉरी सर बोल दीजिए। और आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका पूरा सहयोग करते हैं।
मेरी प्री मेंस और इंटरव्यू की जर्नी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इससे हेल्प मिलेगी और आप मेरी गलतियों से सीखेंगे। और जो लोग आने वाली वैकेंसीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर जिन लोगों का इस वैकेंसी में नहीं हो पाया, मैं उन्हें एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि आप अपनी तैयारी लगातार जारी रखें, अपने ऊपर विश्वास रखें और आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते रहते हैं और अपने शॉर्ट नोट्स हमेशा बनाते रहिए ताकि आपको लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए मदद मिले। और अपने सोर्सेज कंसाइज रखिए, ज़्यादा सोर्सेज आप पे डिपेंड मत होइए, एक ही दो सोर्स बनाइए और उसी को बार बार रिवाइज करिए। और मैं इस सबके लिए टारगेट वैरायटी की टीम को धन्यवाद देना चाहूँगी। और आप लोग अपने ऊपर विश्वास करके आगे अपनी तैयारी करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी।